कांग्रेस केवल घोषणा करती है लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं होता, जबकि भाजपा अपने संकल्प पत्र में प्रदेश की जनता से जो भी वायदे करेगी उन्हें सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। ये बात हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला स्थित भाजपा मुख्यालय पंचकमल में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा जारी किए जाने वाले संकल्प पत्र के लिए प्रदेश की जनता से सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सैनी ने कहा कि ये मामला सरकार में विचाराधीन है और इसके लिए बाकायदा अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो कर्मचारियों को नियमित करने की सिर्फ कोरी घोषणाएं ही होती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा और पिछले 10 वर्षों में प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इसके विपरीत कार्य करने का ही प्रयास किया। अभी जिसकी चर्चा आदरणीय धनखड़ जी ने की है कि वो उनकी घोषणा है खटाखट 8,500 रुपए आ जाएंगे। हमारा संकल्प है, हमने ये भी निर्णय किया है कि फटाफट जो हम कहें उसको हम पूरा करें, जनता के बीच में पूरा करें। उस संकल्प के साथ हम ये अपना संकल्प पत्र लोगों के सुझाव लेकर के उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और पिछले 10 वर्षों में जो हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों के राज में देखें उनके राज के अंदर केवल भ्रष्टाचार नजर आता है, दबंगों का राज होता हुआ दिखाई देता है और एक ही क्षेत्र का क्षेत्रवाद दिखाई देता है कि एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है और पूरा का पूरा प्रदेश उससे मनहूस दिखाई देता है कि वहां पर विकास दिखाई नहीं देता। लोग बोलते रहते हैं क्योंकि उनका घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, घोषणा करके वो घोषणा ही रह जाता है, आपने देखा भी है। परंतु हम संकल्प पत्र के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के हमारी सरकार इस संकल्प पत्र को मजबूत क्योंकि हमने पिछली कैबिनेट में फैसला लिया था। उस एक एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी हुआ डिपार्टमेंट्स के साथ। मैं जाना ये चाह रहा हूं, पूछ रहा था कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ये किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। जब हमने कोई फैसला कर लिया, कांग्रेस के समय के अंदर तो फैसला किस प्रकार से होता था आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके समय के अंदर अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, बस इतना भी लिख देते थे। कोर्ट में घूम रहे हैं, आज से घूम रहे हैं। आपको मालूम है जो उन्होंने पक्के करने की घोषणा की थी वो घोषणा करते हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी आज से घूम रहे हैं। एक भी 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं, एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाएगा। हमें चाहे विधानसभा के अंदर उसको ला करके उसका ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।